thank all of you. All of you. 5K subscribers family. A few moments later. So, इतना कुछ आप लोगों का थैंक्स करने के बाद, आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग्स बनाने के बाद, सुबह का वक्त है, हमें भूख लगी, ऑफिस जाना है, तो आइए चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि एक वर्किंग लेडी किस तरह से सुबह मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होता है वो जल्दी चुटकी बजा के किस तरह से रेडी होता है। सो आइए हम देखते हैं वो छोटा सा, ताकि आप भी एंटरटेन होते रहे, बोर ना होते रहे गाइस। Yes, Viju. Welcome again in my kitchen. So, sandwich बना रहे हैं, ये material sandwich के लिए, cucumber के slices, और ये क्या शिमला मिर्च, capsicum, ये रहा tomato, टमाटर, और ये रहा onion. Yes, क्योंकि सुबह सुबह हो रही होती है देर, तो आपको बनाना होता है झटपट ब्रेकफास्ट, लंच भी रेडी करना होता है, लंच फिलहाल मैंने रेडी कर लिया है और ब्रेकफास्ट बनाने की अब बारी है, सो सैंडविच सबके फेवरेट होते हैं। सो हम लोग अब इसको मिक्स करेंगे। वैसे आप इसके स्लाइसेस बना के भी सैंडविच में यूज कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि मिक्स अच्छे से हो जाता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसे भी मिक्स करना हो। इसके बाद जब हमने ये मिक्स कर लिया है, हम इसमें डालेंगे केचप, केचप हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, चटपटा स्वाद, जो लोग तीखा पसंद नहीं करते हैं वो इसको अवॉइड कर ले, एंड मेयोनीज, मेयोनीज आप वाइट मेयोनी भी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैं जो है बर्गर मेयोनी यूज़ कर रही हूँ। एंड ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखने में भी कितना यमी लग रहा है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और सभी का फेवरेट भी रहते हैं सैंडविच। तो हम आज बना रहे हैं ग्रिल्ड सैंडविच और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज केचप एंड ऑल में भी, यस स्वाद अनुसार, क्योंकि इसमें पहले से भी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट रहता ही है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल दें। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपना कढ़ाई पनीर वाले व्लॉग में बताया था कि मेन इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, उसी हिसाब से तो सबसे मेन रहता है दैट इज ब्रेड, और इस ब्रेड में तो लिखा भी सैंडविच प्लस है, सो आज हम बनाएंगे सैंडविच प्लस। सो अब हम लोगों को, जो हम लोगों ने ये सैंडविच का मसाला तैयार किया है, इसको हमने सैंडविच बनाना है इससे, सो आए आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो हमने ये मिक्स किया था इसको जस्ट हमें ब्रेड के ऊपर फैलाना है। आप इस पे चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं पहले, बट मैं बटर ग्रिल करते टाइम लगाती हूँ, तो हमें इसे फैलाना है इस पे अपनी स्टफिंग को जो हमने रेडी की है। आप चाहे तो कुछ लोग जो है वो ब्रेड पे पहले बटर भी लगाते हैं देन स्टफिंग डालते हैं, तो बटर मैं जो है उसको ग्रिल करते टाइम यूज़ करूँगी, तो आप जैसे भी चाहे वैसा बना सकते हैं, टाइम बच जाता है आपका और ब्रेकफास्ट भी अच्छा बनता है, दिन की शुरुआत तो ब्रेकफास्ट से ही होती है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग गाइस, और यहाँ पे किंग का रोल तो निकी ही, मैं फिलहाल नौकरानी बनी हुई, दबा के खाते हैं हम तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हैवी ही करना चाहिए, हेल्दी एंड हैवी। ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो तो देख ही रहा है, मैं भी ना सोचूं आप इतना खुश क्यों होते हैं सैंडविच बनाने के लिए यार, क्योंकि बहुत फटाफट बन जाते हैं। एंड ये सैंडविच हो गए हैं हमारे तैयार इधर, रेडी टू ग्रिल। फिलहाल अभी जो हमारा सैंडविच मेकर है वो गर्म हो रहा है, अभी रेड लाइट लगी है, जैसे ग्रीन लाइट होती है हम इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तब तक मैं बना रही हूँ मेरे दो एक्स्ट्रा सैंडविच, जो कि बना रही हूँ पीनट बटर और किसान केचप के, ये फ्लेवर के लिए, क्योंकि आपको कुछ डिफरेंट भी चाहिए होता है, स्पेशली मुझे, मैं सैंडविच में बहुत सारी वैरायटीज़ पसंद करती हूँ, सो जब सैंडविच बनाते हैं
तो उनके साथ में एक दो सैंडविच एक्स्ट्रा केचप और पीनट बटर के भी बनाती हूँ। तो ये चीज़ें आप घर पे रख ले तो ज़्यादा अच्छा, आपका काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। सो ये हो गया पीनट बटर वाला। और ये जैम, जैम वाला किसान जैम, मीठा मीठा हम बचपन से खाते आए हैं किसान जैम को, हर एक किसान का किसान जैम। यस उसकी लाइट, यस देखिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है हमें। देखिए कितना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है शादी के बाद इन चीजों का, खासकर लाइटों का। खासकर लाइटों का। और ये हम कर रहे हैं अपना घर का बना मक्खन, होममेड बटर यूज। जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं इस पे बटर फैला देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इस पे बटर फैला दिया। बटर फैलाने के बाद जस्ट आपने जो सैंडविच तैयार किए हैं उनको इस पे रखना है। और बटर जैसे कि मेल्टेड नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके ताकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेल्ट हो जाए, उसके बाद उस पे बटर रखती हूँ इस तरीके से, खूब सारा बटर। ये रहा बटर, सो अब बन जाएगा ये। सो विद इन कुछ सेकंड्स में ही ये बन जाएगा। वाह ये देखिए लजीज सैंडविच। yes. और कितने करारे ये है, ये yeah. देखो आवाज। सैंडविचेस आर रेडी और ये कट हो रहा है। वाओ आप लोग चीज सैंडविच भी बना सकते हैं, मोजरेला चीज या अमूल चीज यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आप लोगों को ये झटपट रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और इंस्टाग्राम पे भी हमें विकेतन पैराडाइज में जरूर फॉलो करें। फिलहाल अभी ऑफिस के लिए लेट हो रही और इतना यमी सैंडविच बना है, सो आपसे मिलते हैं, आप भी अपना एंजॉय करें, हम भी कर रहे हैं। और जरूर बताएं आपके सैंडविच कैसे बने। यस सो टिल देन बाय। We'll be right back.